वही दामिनी जो खुद तो सो गई लेकिन पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर जगा गई। क्या यही वो भारतवर्ष है जिसकी आजादी के लिए इतने बलिदान दिए गए, इतना खून बहाया गया? क्या यही भारतीय संस्कृति है? वो दामिनी, उसके जन्म में भी तो उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई होंगी, उसकी भी तो नटखट शरारते रही होंगी, एक खुशहाल परिवार, कॉलेज की मस्ती, उसके माँ बाप ने भी तो उसकी शादी के सपने देखे होंगे, और सबसे ज्यादा बढ़कर दामिनी, उसके भी तो कुछ ख्वाब रहे होंगे। आज हमारा पूरा भारत दामिनी की नृशंस हत्या पर शर्मसार है। उसी के श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये छोटी सी नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले चार पंक्तियाँ दामिनी की जुबानी जो उसने अपनी माँ के लिए कही है। बहुत दर्द देकर, बहुत दर्द सहकर, तुमसे कुछ कहकर मैं जा रही हूँ। आज मेरी विदाई में जब मेरी सखियाँ आएंगी, सफेद जोड़े में लिपटी देख सिसक सिसक मर जाएंगी। लड़की होने का खुद पे अफसोस मनाएंगी, माँ तू उनसे इतना कह देना कि इस दुनिया में संभल कर रहना। माँ तेरे लिए अब क्या करूँ, तेरे दर्द को शब्दों में कैसे बांधूँ, फिर से जीने का मौका कैसे मांगूँ। माँ ये सब लोग तुझे सताएंगे, मुझे आज़ादी देने का तुझ पे इल्जाम लगाएंगे। माँ तू सब सह लेना, पर ये कभी ना कहना, अगले जन्म मोहे बिटिया ना देना, अगले जन्म मोहे बिटिया। Thank you.
Charlie.